अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। वरिष्ठ समाज सेवी सेठ दयानंद गुप्ता का बुधवार शाम निधन हो गया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 84 वर्षीय दयानंद पिछले कुछ समय से निमोनिया से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को सूरजकुंड में हुआ। आपको बता दें कि दयानंद गुप्ता की शव यात्रा बड़े ही भव्य तरीके से शहर भर में घूमते हुए सूरजकुंड पहुंची। जिस भी गली मोहल्ले से शव यात्रा निकलती, लोग साथ चलने लगते थे। शव यात्रा जब सूरजकुंड स्थित अंतिम स्थल पर पहुंची तो हजारों की संख्या में वहां भीड़ जमा थी। राजनेता, शिक्षक गण और आम जन इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सभी का कहना था कि एक कुशल समाजसेवी और शिक्षक आज हमारे बीच में नहीं है, इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहना है सांसद राजेंद्र अग्रवाल का और सपा नेता शाहिद मंजूर का। दयानंद गुप्ता जी पूरे शहर के एक प्रकार से अभिभावक थे। शैक्षिक जगत में, राजनीतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सब तरफ जो है उनकी उपलब्धियाँ इतनी बड़ी हैं और इतने लोगों को उन्होंने जोड़ा कि उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है, केवल मेरठ की नहीं, आसपास के क्षेत्र की भी। और जैसा मैंने कहा कि वो पूरे शहर के अभिभावक थे, प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति, राजनीतिक दल की सीमाओं से उठ कर के व्यक्ति उनके पास जाता था और वो भरपूर उसकी मदद करते थे। और आज वास्तव में मेरठ के बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, जो उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई थी, उन्होंने अपना एक गार्जियन खो दिया है। ये जो क्षति हुई है इसको भरना बड़ा मुश्किल होगा। दयानंद जी की डेथ, इनका स्वर्गवास मेरठ के लिए, मेरठ की पॉलिटिक्स के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरठ की राजनीति में अब कोई दूसरा ऐसा आदमी यहाँ नहीं दिखाई देता जिस पर सब लोग विश्वास कर सकें और जिसकी सब देख सकें इज्जत की निगाह से। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv।